والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम वो बेहतरीन ज़ाबता हयात है जिसमें अल्लाह सुबहान तआला ने इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं और उन इंसानों के जितने मसाइब हैं, अमराज हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, गम हैं, रंज हैं, उन तमाम का हल बदलाया है। हमने इस्लाम से अपनी हर परेशानी का हल तलाश करना था, मगर अफसोस हम लोगों ने इस्लाम को महज मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी तक महदूद कर दिया। और यही वजह है कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा जो कौम परेशान है वो मुसलमान है। हमारी आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह रहमान हम जिस मौजू को बयान करेंगे वो मौजू है हम बीमार क्यों होते हैं। इसके बेशुमार असबाब हैं। मैंने किताब लिखी है, अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो भी प्रिंट हो जाएगी कि हम बीमार क्यों होते हैं। हमारे बीमार होने के पीछे जो बेशुमार असबाब हैं उनमें से एक सबब आप लोगों के सामने बयान करना चाहूंगा, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे मोहतरम भाइयों, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। और आज हमारे बीमार होने के पीछे एक बहुत बड़ा सबब धोखा देना है। ये धोखा देना क्या होता है? ये जिसको हम चीटिंग कहते हैं, डॉजिंग कहते हैं, ये चीट करना क्या है? ये चीटिंग करना, ये डॉजिंग करना, ये दूसरों को धोखा देना, मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो अमल है जो इंसान को दायरे इस्लाम से निकाल देता है। और आज हमारे बीमार होने में सबसे बड़ा सबब ये धोखा देना है। आज इस नशिस्त में हमने ये जानना है, ये धोखा इसकी ना छोड़ दो ना करके, ये धोखा देना है क्या? ये हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है?
और जो हमारे ऑर्गन्स हैं, खास तौर पे वाइटल ऑर्गन्स, जिसमें दिमाग है, जिसमें दिल है, जिसमें आपके फेफड़े हैं, आपके गुर्दे हैं, आपका मेदा है, आपका जिगर है, ये धोखा देना इन चीजों को डैमेज कैसे करता है? मेरे मोहतरम भाइयों, धोखा देना होता क्या है? जब आप अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा अमल करते हैं जिसकी हकीकत नहीं होती, इसी को झूठ भी कहते हैं। और सबसे पहले ये बात समझो, सबसे पहला धोखा किसने दिया था? जब आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाना था तो क्या किया था? उसको धोखा दिया कि ये जो शजर जिससे तुझे मना किया गया है ना, ये इसलिए किया गया है कहीं तू हमेशगी की जिंदगी ना पा जाए। जो धोखा देगा मेरे मोहतरम भाइयों, वो किसके साथ जुड़ जाएगा? और एक लम्हे के लिए जरा अपने दिल पे हाथ रखो, कितने लोग हैं जो आज किसी ना किसी अंदाज में इस धोखे में मुब्तिला है? कोई एक बंदा जो उठ के ये कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं धोखा नहीं देता, कोई अल्लाह को धोखा दे रहा है, कोई दीन को धोखा दे रहा है, कोई इस्लाम को धोखा दे रहा है, कोई मां बाप को धोखा दे रहा है, कोई बहन भाइयों को धोखा दे रहा है, कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को धोखा दे रहा है? और सबसे बड़े अहमक वो है जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि ये तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा ही हो रहा है, सारे ऐसे करते हैं, ये तो जिंदगी का जूज है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो धोखा देगा प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो हम में से नहीं है। क्योंकि ये धोखा देना किसका काम था, किसकी शुरुआत थी? और जरा सच बताओ, इसमें सबसे पहली जो चीज इन्वॉल्व होती है ना, वो सोच है। जिसने धोखा देना होता है वो क्या सोचता है कि मैं इसको फंसाऊंगा कैसे, मैं इसको अपने धोखे में, अपने फ्रेम में, अपने दजल में कैसे लेके आऊंगा? तो उसके लिए उसका जहन क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, जब जहन ऐसी प्लानिंग करता है ना, तो जो इंसान के अंदर रूह है, इंसान दो चीजों से मिलके बना है, एक बॉडी है, एक रूह है। जब रूह ये देखती है ना, ये कर क्या रहा है, और ये अंदर अपने ब्रेन में कौन से थॉट्स को जनरेट कर रहा है, इसकी जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो क्या बन रही है, तो वल्ला रूह तड़प जाती है, रूह बेकरार हो जाती है, रूह बेचैन हो जाती है। क्योंकि रूह तो जानती है ना कि इसका ये अमल, इसका ये प्रोसेस, इसको इल्लीयीन की बजाय सिज्जीन में ले जाएगा। जहां से मैं आई हूं ये मुझे वापस वहां पे जाने नहीं देगा, क्योंकि ये जो प्लानिंग कर रहा है, ये जो सोच रहा है, ये जो अपने भाई के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने मां बाप के बारे में, अपने हमसायों के बारे में ये जो प्लानिंग कर रहा है, ये प्लानिंग इसका बेड़ा गर्क कर देगी। और मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात याद रखिएगा, जो किसी को धोखा देता है ना, वो किसी को धोखा नहीं दे रहा होता, वो किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है।
साइंस इस बात को इतना क्लियरली समझ चुकी है कि बकायदा एक लॉ बन चुका है, बकायदा एक कानून बन चुका है साइंस में कि एवरी एक्शन हैज अ सेम रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और जरा सच बताओ, कौन सा घर है जो आज धोखे से महफूज है? बाप अपनी औलाद के साथ क्या कर रहा है? खामंद अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा है? भाई अपने भाई के साथ क्या कर रहा है? दोस्त अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा है? ये बहन अपने भाइयों के साथ क्या कर रही है? ये मोहल्लेदार के साथ क्या कर रहे हैं? हमसाये के साथ क्या कर रहे हैं? अब ये सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले ये देखो आप अपने बदन के साथ क्या कर रहे हो। आज हम क्या अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? मेरे मोहतरम भाइयों, उस कबूतर की तरह जो बिल्ली को देखता और आंखें बंद कर लेता है तो क्या समझता है कि बिल्ली चली गई? क्या वो चली गई है? या उसको उस वक्त एहसास होगा, उस वक्त रियलाइज होगा जब उसको फाड़ देगी? मेरे मोहतरम भाइयों, ये धोखा देना नहीं है, वल्ला ये इस वक्त आज के माशरे की सबसे बड़ी बीमारी है। और जब आपने सोचा तो जो ब्रेन अल्लाह ने आपको दिया था, जिसके बारे में रब, जरा इसको ना डेप्थ में सोचो, अल्लाह ने क्या फरमाया, अना इन दजन अब्दी, मैं अपने बंदे के साथ कैसा हूं? अल्लाह अपने बंदे के साथ कैसा है? जैसा वो सोचता है, गुमान करता है। तो जब मैं चीटिंग कर रहा हूं, डॉजिंग कर रहा हूं, और मेरा दिमाग ये सोच रहा है कि मैंने किस तरह इस भाई को चीट करना है, किस तरह मैंने इसको धोखा देना है, मैंने इसके साथ फ्रॉड कैसे करना है, इसके साथ मैंने फ्रेड कैसे करना है, फिर अल्लाह आपको आपकी सोच के मुताबिक छोड़ देगा। क्योंकि अल्लाह तो हर बंदे के साथ वैसा ही है जैसा वो गुमान करता है। और अब वो समझ रहा है, धोखा देके, फ्रॉड करके, फ्रेम करके, देखिया तेरे भरा ने कैसा बुद्धू बनाया, पता ही नहीं चलने दिया। जरा एक लम्हे के लिए जरा आप सोचो, मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं, साइंस कहती है जब हम सोचते हैं तो उसकी तस्वीर दिमाग को वैसे ही मिलती है। दिमाग को जैसा इमेज मिलता है, दिमाग वैसे ही केमिकल प्रोड्यूस करता है, वो केमिकल वैसे ही हार्मोन बनाते हैं, वो जैसे हार्मोन बनेंगे आपकी बॉडी ने वैसे ही चलना है। अब सोचो जिसके हार्मोन धोखे वाले हैं, फ्रॉड वाले हैं, बेईमानी वाले हैं, दजल वाले हैं, फ्रेब वाले हैं, उसके केमिकल कैसे होंगे, उसके हार्मोन कैसे होंगे? बताओ, उसका ये बदन, उसका ये दिल, उसके ये गुर्दे, उसके ये फेफड़े, उसका ये दिमाग, उसकी हड्डियां, उसका गोश्त कभी पुरसुकून हो सकता है? और अपने अपने दिल पे हाथ रखो और देखो, क्या मैं आज पुरसुकून हूं? हर शख्स बेसुकून है। और वजह क्या है, सबब क्या है? धोखा दे रहा है हर लेवल पे। ईमान के लेवल पे हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, और बदन के लेवल पे जरा एक लम्हे के लिए सोचो, अपने बदन में डाल क्या रहे हो? अल्लाह ने तो आपके लिए वो चीजें पैदा की थी जो आपके रूह और बदन की जरूरत थी। रूह की जरूरत के लिए अल्लाह ने दीन दिया, और दीन के लिए अल्लाह सुभान व तआला ने जो सबसे बेहतरीन ज़ाबता पसंद किया वो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हमने अपने अपने तरीके बना लिए। मेरा तरीका क्या है? मैं कौन हूं? मैं जी फलां सिलसिले से ताल्लुक रखता हूं। मैं कौन हूं?
मैं जी मैं फलां इमाम का फॉलोवर हूं, मैं कौन हूं? कोई शाफी, कोई हंबली, कोई मालकी, कोई हनफी, कोई दोबंदी, कोई ब्रेलवी, कोई अहले हदीस, और फिर इसमें सब ब्रांचेज आ गई। हम कादरी हैं, हम वारसी हैं, हम आरफी हैं, हम नक्शबंदी हैं, हम मुजद्दी हैं, हम आगा खानी हैं, हम सोरवर्दी हैं, फिर उसमें मजीद सब ब्रांचेज आ गई। किसको धोखा दे रहे हो मेरे मोहतरम भाइयों? एक बात याद रखिएगा, अल्लाह को कोई धोखा दे सकता? अल्लाह ने जो जाब्ता सेट कर दिया है ना, जो तरीका सेट कर दिया है, जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बना दिया है ना, उसको कोई बदल सकता? मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे ज्यादा बीमार इंसान उस वक्त होता है जब उसकी सोच बीमार हो जाती है। और आज बकायदा शैतान और शैतान के साथी आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर करने के लिए ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे शेर, ऐसे ऐसे किस्से जो दिल को बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह की बात कुरान है और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीस है। इसके अलावा जो भी है वो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बेहतरीन हो सकता है, काबले इज्जत एहतराम हो सकता है, अदब के लायक हो सकता है, मगर दीन इस्लाम मेरे भाइयों वो वही नहीं हो सकता। वही सिर्फ एक है, और वो क्या है? जो रब ने आसमानों से नाजिल किया, वो या कुरान है या प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम बीमार क्यों हो गए? क्योंकि हमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया, और हमने कहा ये भी तो ठीक है ना, ये जो इमाम साहब बता रहे हैं वो भी तो कुरान और हदीस के मुताबिक ही बता रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार इस वजह से हैं कि हमारी सोच इन दो चीजों से हटा दी गई। ये जो दो चीजें थी ये आपकी रूह की गिजा थी, इसने आपकी रूह को ताकत देनी थी, कुव्वत देनी थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने बदन बनाया, और बदन की ताकत के लिए अल्लाह ताला ने कार्बोहाइड्रेट रखी, बदन की ताकत के लिए फलों को रखा, सब्जियों को रखा, ड्राई फ्रूट को रखा, अजनास को रखा, पानी को रखा, कहां पे? मिट्टी में। और अल्लाह ने हुक्म दिया जो यहां से लेगा ना, इसी हालत में लेगा, जिस तरह हमने चीजों को पैदा किया है और जिस तरह हम चाहते हैं इस तरह खाओगे तो ये बदन को ताकत देंगी, और अगर इसका पैटर्न बदल दोगे, जो आटा पत्थर की चक्की पे पिसेगा वो आपको ताकत देगा, और जो आटा लोहे में, ब्लेडों में, पतरियों में, उसकी चक्की में कटेगा वो कभी ताकत नहीं दे सकता। इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझो, पत्थर की चक्की आटे को क्या करती है? पीसती है, और उसके पीसने से उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसको हम चोकर कहते हैं, जिसको हम मैदा कहते हैं, जिसको हम सूजी कहते हैं, क्या वो सारे का सारा अंदर ही रहेगा? लेकिन जब ब्लेड जाके काटेगा और उसका आरपीएम इतना तेज होगा, उसके पीछे चलने वाली मोटर इतनी तेज होगी, तो जब वो उसको काटेगी तो मेरे मोहतरम भाइयों, वो उसके चोकर को, सूजी को, मैदे को, फाइबर को काट के नहीं, जला के राख बना देगी। और ये आटा जो खाएगा मेरे मोहतरम भाइयों, उसका ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल नहीं रह सकता। और ये आटा जो आप अपने बदन को दे रहे हो, जरा एक लम्हे के लिए बताओ, धोखा नहीं है? और मैं इसको
आपको कुरान की एक आयत के साथ रिलेट करते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे मोहतरम भाइयों, चक्की पे आटा धीरे धीरे पिसता है, और जो आटा जाके आप मोटर वाले चक्की में डाल देते हो, लोहे की चक्की, ब्लेड की चक्की, पतरियों वाली चक्की, जो चाइना की चक्की है, जब आप उसमें डालते हो तो वो क्या करता है, इधर डाला, बटन दबाया, कर, और वो आटा क्या बन गया, वो जब उस चक्की से निकलेगा इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि आप अगर हाथ रखेंगे तो हाथ को क्या करेगा, वो जला देगा। जरा सोचो, जो आपकी स्किन को जला दे, वो उस आटे के अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसको बाकी छोड़ेगा? किसको धोखा दे रहे हो? और हमने समझा कि हमारे पास वक्त नहीं है, लाइफ फास्ट हो गई है, कौन पत्थर की चक्की पे धीरे धीरे आटा पिसवाए। मेरे मोहतरम भाइयों, हकीम लुकमान ने कई हजार साल पहले एक जुमला कहा था, इंसान सिर्फ एक वजह से बीमार होता है, और वो वजह क्या थी, अपनी फितरत को छोड़ देना, अपनी फितरत को छोड़ देना। इलाज क्या है, वापस अपनी फितरत पे आ जाना। ये सिर्फ चक्की नहीं है, जरा इसके साथ इस्लाम कैसे जुड़ा हुआ है, दीन कैसे जुड़ा हुआ है। क्या हमें ये हदीस में वाकया नहीं मिलता कि जो खतून जन्नत हैं, जो औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो क्या चलाती थी, क्या हाथों में गड्ढे पड़ गए? और ये चक्की किसने दी? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद अपने कंधों पे रख के जिस चक्की को हजरत फातिमा रज़ील्ला ताला नहा के घर दे के आए। और एक तरफ तो आप कहते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक बात नहीं करते जब तक आसमान से वही नहीं आती, लेकिन क्या हमने इन चीजों की हकीकत को जानने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश की? जिनके लिए जन्नत से हर चीज उतर सकती थी, उनको इतनी मुशक्कत में क्यों डाला? इतनी मुशक्कत के हाथों पे क्या बना दिए, गट्टे बन गए। और ये कोई आम औरत नहीं है, कोई आम खातून नहीं है, कौन है? जन्नत की खवातीन की। और ये कहानी है कि हकीकत है? मेरे मोहतरम भाइयों, रब ने जिनको ये मकाम देना है, जो मर्तबा देना है, उसके बावजूद क्या उनके लिए पिसा पसाया आटा नहीं आ सकता था? अगर बनी इसराइल के लिए मनोसलवा उतर सकता था तो क्या हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला के आटा नहीं उतर सकता था? मेरे मोहतरम भाइयों, ये सबक हमें दिया गया कि अपनी नस्लों को अगर वैसा बनाना चाहते हो ना, जो नौजवान जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, तो उनके लिए खिलाना क्या पड़ेगा? उनको वो आटा खिलाओ जो पत्थर की चक्की पे पिसा है। और हम धोखा दे रहे हैं, आप लोग मुतमिन कर लोगे 50 बातें करके, डॉक्टर साहब केड़े दौर दी गल्ला कर दो, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपके पास हर बात की लॉजिक है। लेकिन जो तरीका अल्लाह सुबहानो ताला ने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें दे दिया, उसको कोई बदल नहीं सकता। और एक बात, हम सब जब भी सवाल करते हैं ना, इलाज पूछते हैं, इलाज बताओ, इलाज बताओ। और मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये जानो बीमारी कहां है। ये बीमारी क्यों है? ये आटा नहीं है, आप लोगों ने समझा सिर्फ ये आटा है, ये आपकी नस्ल की बुनियाद है, ये आपकी नस्ल की।
और हम लोगों की तो जब तक हम रोटी ना खाएं सुकून मिलता है, दुनिया जान की जो मर्जी चीजें खा लो। मेरे मोहतरम भाइयों, उन्होंने आटा नहीं बदला, उस आटे की जो खासियत थी ना उन्होंने उसको बदल दिया। कभी पत्थर की चक्की का पिसा हुआ आटा और ये लोहे की चक्कियां, चाइना की चक्कियां, स्टील की चक्कियां, ब्लेड की चक्कियां, ये वाली चक्कियां, इसका पिसा कटा हुआ आटा और इसका पिसा हुआ आटा बराबर हो सकता है? मेरे मोहतरम भाइयों, बिल्कुल इसी तरह जो आप लोग अपने जिस्म में दाखिल कर रहे हो, और सिर्फ खाना और पीना ही दाखिल नहीं कर रहे, इससे पहले मैंने बताया सोच, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नमल अमालु, अमलों का दारोमदार किस पे है? और नियत सोच को ही कहते हैं, नियत इरादे को ही कहते हैं। इरादा क्या है? इरादे का मतलब होता है सोच क्या है। और सच बताओ, धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अच्छा, हम सब जला हुआ भूस खा के अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, किसको धोखा दे रहे हो? मेरे मोहतरम भाइयों, चार चीजें इसके अलावा और हैं जो हमारे अंदर जाती हैं, देखते क्या हो। जो बंदा जो देख रहा है, मेरे मोहतरम भाइयों, जैसे मैंने कहा कि ये धोखा आपके जिस्म को कैसे इफेक्ट करता है, वो केमिकल ऐसे बनाता है। अब जो देखोगे वो आपको अच्छा लगेगा, आंखें देखती हैं, दिल उसको चाहता है, दिमाग उसके बारे में सोचता है, पांव उसकी तरफ जाते हैं, हाथ उसको पकड़ते हैं, शर्मगाह शर्मगाह से मिलके सिर्फ तस्दीक करती है, जना तो उसी वक्त हो गया था जब आंख ने उसको देखा था। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो आंखों के साथ आप धोखा कर रहे हो, अल्लाह ने आंखें हमें इस काम के लिए दी। अल्लाह ने फरमाया था, ए ईमान वालों, अपनी निगाहों को झुका के रखो। हम बीमार क्यों हुए? हमने आंखों के साथ वो तस्वीरें उतारनी शुरू कर दी जो हमारे लिए हलाल ही। 24 घंटे मेरी आंखें क्या देखती हैं? दिन क्या, रात क्या, सुबह क्या, शाम क्या? अभी आंख खुलती है, पहला हाथ किधर जाता है कि अपडेट क्या आई है? क्या देखते हो मेरे मोहतरम भाइयों? ये देखना, उसके बाद क्या सुनते हो? ये आपकी आंखें आपके ब्रेन में इमेज देती हैं, और उसी इमेज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी से वो सेक्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। देखो, जो बंदा सब्जी देखता है, ये आंखें सब्जी को देखेंगी, वो ब्रेन को उसका इमेज देंगी कि सब्जी में है आलू, मटर, गोभी, गाजरें। तो ब्रेन को पिक्चर किसकी मिलेगी? आलू, मटर, गोभी, गाजरें। और ब्रेन उसी को डाइजेस्ट करने के लिए क्या बनाएगा? सेक्रेशन। और अगर ब्रेन देखेगा कि यहां पे मटन आया है, तो क्या ब्रेन कभी आलू, मटर, गोभी की सेक्रेशन पैदा करेगा? और अगर मैं देख रहा हूं किसी नामहरम को, तो यहां केमिकल कौन से बनेंगे? महरम वाले। अब जब वो केमिकल बन गए, तो वो मेरे अंदर है कि बाहर है? तो हलचल कहां मचेगी, तबाही कहां मचेगी? अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारे अंदर ये केमिकल बने ही ना, मत धोखा दो। जब तुम किसी ना महरम को देखते हो, तो बताओ जिनकी बीवियां, क्या ये बीवियों के साथ धोखा नहीं? क्या उनके साथ चीटिंग नहीं? क्या डॉजिंग नहीं? और फिर कहते हैं पता नहीं बीमारी कहां से आ गई। जब हमारे कान ऐसी बातें सुनते हैं,
ऐसे बोल सुनते हैं, ऐसी अल्फाज सुनते हैं, क्योंकि जो सुनोगे उसकी भी तस्वीर बनेगी। और जब हम ऐसी बातें सुनेंगे जो हमारे लिए हलाल है, ये मौसीकी के आलात, ये साज, ये आवाज, ये सोज, ये म्यूजिशियन के जो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, ये गाने, ये बाजे, ये बांसुरियां, ये तबले, जब इसकी आवाज कान में जाएगी तो बताओ जिस्म थरकता कि नहीं थरकता, बॉडी लरजती कि नहीं लरजती। तो जब ये आवाजें सुनेंगे क्या दिल में डिजायर पैदा होगी कि नहीं होगी? और कई अहमकों ने तो कहना भी शुरू कर दिया, रूह क्या, मौसीकी क्या है? रूह की गजा। ये रूह की गजा नहीं है, ये शैतान की गजा है। ये बीमार करती है। पता है ये चीजें, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्यों दिए गए? ताकि आपका दिल कुरान में लगे ही ना, आपका दिल हदीस में लगे ही ना। जो गाना सुन रहा होता है बताओ उसको कुरान की तिलावत अच्छी लगती है? जो गाना सुन रहा होता है उसको अजान अच्छी लगती है? जो साज आवाज सुन रहा है जिसपे जिस्म थरक रहे हैं, जिसपे दिल रागब हो रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हो मेरे मोहतरम भाइयों? जब हम वो आवाज, वो बातें करते हैं जो हमारे लिए अलाउ नहीं है, जिसको इस्लाम ने मना किया, क्या मना किया था? झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, गाली नहीं देनी, कोई फहश गुफ्तगू नहीं करनी। मेरे मोहतरम भाइयों, जो झूठ बोलता है वो अपने भाई को क्या कर रहा होता है? धोखा दे रहा है। और ये अमल उसको इस्लाम से निकाल देगा। और ये अमल नहीं है वल्ला, जो ये प्रोसेस कर रहा है उसके अंदर केमिकल कौन से बनेंगे, उसके अंदर हार्मोन कौन से बनेंगे? और उसकी बॉडी, आज हर शख्स कह रहा है मेरा पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा जिसकी वजह से शुगर हो रही है, मेरा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बना रहा, मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन नहीं बना रहा, मेरा एड्रेनलिन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन नहीं बना रहा, मेरा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बढ़ रहा है। कभी ये भी जाना क्यों बढ़ रहा है? ये ओवरीज, ये खवातीन के अंदर वल्ला औलादों का ना होना, मर्दों के अंदर ये स्पर्म टेस्टिस, आज एजोस्पर्मिया है, लोग बे औलाद हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि ये धोखा देना, ये झूठ बोलना, ये गाली देना, ये चीटिंग डॉजिंग करना, ये बदनिगाही करना, ये गलत आवाजें सुनना, ये आपको ना मर्द बना रहा है, आपको इंपोर्टेंस बना रहा है, आपके अंदर के केमिकल्स को, आपके हार्मोन्स को ब्लॉक कर रहा है। ये हमारे जिस्मों में हार्मोन इंबैलेंस, इसका एक बहुत बड़ा सबब मेरे मोहतरम भाइयों धोखा देना है। और सच बताओ हम सब एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? हम सब एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? दवाइयों के चक्कर में पड़े हुए हैं मेरे मोहतरम भाइयों, जिनके स्पर्म नहीं बन रहे, जिनको एजोस्पर्मिया है, कभी जानने की कोशिश की क्यों है? औरतों में कहा जा रहा है इनके फॉलिकल्स कमजोर हैं, अंडे सही नहीं बन रहे, क्यों नहीं सही बन रहे? कभी जानने की कोशिश की? मेरी बॉडी इंसुलिन क्यों नहीं बना रही, मेरा पैंक्रियाज इंसुलिन क्यों नहीं बना रहा,
एक लम्हे के लिए सोचो, मेरे रब ने मुझे पैदा करके क्या कहा था? कसमें खा खा के, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, फिर कसम, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, जो सबसे बेहतरीन तकवीम पे पैदा हुआ, जिसको पैदा करने वाला अहसनुल खालिकीन, जो अशरफुल मखलूकात, फिर पैंक्रियाज इंसुलिन क्यों नहीं बना रहा? फिर आपका थायराइड थायरोक्सिन क्यों नहीं बना रहा? फिर आपका पाइनल ग्लैंड क्यों नहीं हार्मोन बना रहा? आपकी ओवरीज ओवम प्यूरे परफेक्ट क्यों नहीं बना रहे? आपके स्पर्म कमजोर क्यों है? किसी का हेड नहीं, किसी का टेल नहीं, किसी की नेक नहीं, क्यों? धोखा दिया है। वल्ला ये धोखा नहीं है, आप अपनी नस्ल को बेड़ा गर्क कर रहे हो, आप अपनी दुनिया को बर्बाद कर रहे हो, आप अपनी आखिरत का बेड़ा गर्क कर रहे हो। किसके पीछे? ये दुनिया की जिंदगी महज दो लम्हों को खूबसूरत करने के लिए? जरा एक लम्हे के लिए सोचो, वो क्यामत का 50,000 साल का दिन, कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे। वल्ला ये 50,000 साल का एक दिन किसको धोखा दे रहे हो? और जो अपने बदन के साथ वफा नहीं कर रहा, जो अपने बदन को अपने हाथों से जहन्नुम के गड़े में गिरा रहा है, वो अपने भाई का खैर खा हो सकता है? अपनी बहन का खैर खा हो सकता है? अपनी मां का, बाप का वो कभी खैर खा हो सकता है? ये धोखा नहीं है, अल्लाह की कसम हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है, और हमारे घरों में इसका तज़किरा ही नहीं है। कितने वालदैन हैं जो अपने बच्चे को बिठा के कहते हैं कि बेटा आज किसी को धोखा नहीं देना, सबसे पहले अपने आप को धोखा ना दो, आंखों से वो देखो जिसके देखने का रब ने हुक्म दिया है, उन चीजों से बाज आ जाओ जिससे रब ने मना किया है, इन कानों से वो सुनो जो रब ने हुक्म दिया है, और जिससे मना किया है उससे मना हो जाओ, इस जुबान से वो बोलो, इस दिल से वो चाहो। हमारी ख्वाहिशात क्या है, हमारी आरजुएं क्या है, हमारी हसरतें क्या है, हमारी तमन्नाएं क्या है, हमारे अंदर डिजायर्स क्या है? हराम हराम। किसी के पास अच्छी गाड़ी देखी तो क्या मैंने रब से दुआ की? या पहला बोल ये बोला, हमें पता इन्होंने कैसे ली है, ये जब आए थे इनकी औकात क्या थी, इनकी हैसियत क्या थी? ये अंदर का गंद है जो तुम्हें क्या कर रहा है, हलाक कर रहा है, ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है। और सच बताओ, किसी का घर अच्छा बन जाए, किसी की नौकरी अच्छी लग जाए, किसी को अल्लाह दुनियावी तौर पे कोई मकाम मर्तबा मंजिलत दे दे, कोई हैसियत अहमियत दे दे, क्या हम उसके लिए दुआ करते हैं? या पहला बोल अंदर की गंदगी निकालते हैं? किसको धोखा दे रहे हो? फिर देखो अपने बदन को क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो। अल्लाह ने आपके लिए कुकिंग ऑयल वो रखे थे जो जमीन से निकलते हैं, आप अपने बदनों में कौन से कुकिंग ऑयल डाल रहे हो? अल्लाह ने वो नमक दिया था जो मिट्टी में रखा था, आप अपने घर में नमक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? अल्लाह ने आपको मीठा वो दिया जो जमीन से गुड़ की सूरत में निकला, आप मीठा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो?
अल्लाह सुभान व तआला ने आपको कितनी नेमतें दी, कितनी बार रब ने कुरान में फरमाया फाबी आई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आपने हर चीज का अल्टरनेट कुछ ना कुछ निकाल लिया, किसको धोखा दे रहे हो? ये जो आज फ्रेश जूस की जगह पे आप लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले आए, क्या ये धोखा नहीं है? पहले घर में मेहमान आता था उसको लस्सी पिलाई जाती थी, दूध पिलाया जाता था, स्कंजवी पिलाई जाती थी, फलों का ताजा जूस दिया जाता था, और आज क्या देते हो? सारे का सारा केमिकल, और फिर कहते हो बीमार क्यों है? मेरे मोहतरम भाइयों, जो आलू वाला नान खाएगा, कीमे वाला नान खाएगा, वल्ला आंखें जब आलू को कीमे को देखती हैं वो सक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जब सामने पिज्जा आएगा ब्रेन को क्या पता ये क्या है? क्या अल्लाह ने यहां मेमोरी में रखा? जब आपके सामने सेब का फ्रेश जूस आता है आपकी आंखें उस जूस को देखती हैं, ब्रेन को मैसेज मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस ब्रेन में ए टू जी जो मिट्टी से निकलने वाली चीजें थी उसकी इंफॉर्मेशन पहले से दे रखी है। सेब के जूस को देखते ही आपकी बॉडी सेब को डाइजेशन के लिए जो केमिकल्स रिक्वायर होती हैं उसको प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब सेवन अप आएगी, स्प्राइट आएगी, स्टिंग आएगी, ड्यू आएगी, माउंटेन आएगी, सेवन अप आएगी, ब्रेन को क्या पता ये क्या मुसीबत है, ये क्या चीज है? कभी वो हजम होंगी? आपने तो इनको खाना हजम करने की बेहतरीन मशरूबात समझ रखी है। हलाकत है, ये धोखा है। जो चीज रब ने पैदा की उसका नेमुल बदल दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती। रब को पता है ये बॉडी किसने बनाई है, हमारा खालिक कौन है? जिसने हमें पैदा किया वो जानता है इसको क्या देना था। और सच बताओ कौन धोखा दे रहा है? अल्लाह ने कुरान में वादे फरमाया तुम पे जितनी तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां आती हैं, बीमार का सबब आईदिहिम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अल्लाह तो तुम्हें 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो तुम्हें बीमार करके क्या लेगा? और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार के पास जाते थे क्या कहते थे? ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह, और कोई हर्ज नहीं है इस बीमारी के आने में। ये क्यों आई है? तुम्हें पाकीजा करने अगर अल्लाह ने चाहा। और मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी इस वजह से आती है कि जो धोखा तुम अपने बदन के साथ दे रहे हो उसको बंद करो। ये अल्लाह की तरफ से एक ब्रेकर है, एक स्टॉप है कि रुक जाओ, डर जाओ, समझ जाओ। अल्लाह बुखार देके हमारे जिस्म को इस कदर कमजोर नकाहत पैदा कर देता है कि अपनी करतूतें ठीक कर ले। बीमारी बीमार करने नहीं आई। जरा सोचो क्या मकाम होगा, मैं बीमार हूं और एक शख्स मेरी तीमारदारी के लिए आए, कितने फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे? कितने फरिश्ते? 70,000। और क्या दुआ करेंगे? अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इसको। और अगर 10 लोग मेरा पता लेने आए तो कितने फरिश्ते करेंगे? 7,00,000। जरा सोचो कि जो अमल 7,00,000 फरिश्तों को उतारने का सबब बने वो मुसीबत है, वो परेशानी है, वो दुख है, वो दर्द है। आपके तो दिमाग डॉक्टरों ने खराब कर दिए। अभी बुखार आता नहीं और उसकी दवाई पहले घर में पहुंची होती है। जरा सा गले में खराश पैदा होती है, पहले कहना है लभी लगता है कि गले का काम हो गया है। एंटीबायोटिक पहले घर पहुंचती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, बुखारी की सही हदीस है, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? बुखार को बुरा मत कहो। और जो दीन इस कदर वाजे हो,
इस कदर। और सच बताओ, बुखार आ गया तो क्या होगा? डॉक्टर कहेगा बचो, डेंगू है बचो, टाइफाइड है बचो, मलेरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे इसको बुरा ना जानो। अच्छा, ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं कि कहानी है? और हमारे बच्चा अगर बीमार हो जाए तो मां के और बाप को क्या मुसीबत पड़ जाती है? ये जानना था इसको बीमारी क्यों हुई है, अल्लाह हमें किस चीज से पाक करना चाहता है, ये पाक करने आई है, क्या मतलब था कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी गंदगी आ गई है उसको निकाल लो। और ये नहीं कहा कि तुम अपनी मर्जी से निकालोगे, कहा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। और मेरे मोहतरम भाई, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक उसको खुद अपनी हालत के बदलने का। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जज्बाती बातें कर रहा हूं कि रियलिटी के ऊपर मबनी है। थोड़ी सी कॉमन सेंस लो कि हम बीमार क्यों हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बीमार होना कोई ऐब नहीं है, बीमार होना कोई ऐब नहीं है, ऐब ये है कि तुम अपने आप को पकीजा ना करो, तुम अपने आप को पारसा ना करो, तुम अपने आप को साफ सुथरा ना करो। यहां पे लोग कोई 10 साल से बीमार है, कोई 15 साल से बीमार है, कोई 20 साल से बीमार है, और पाक करने के बजाय क्या कर रहा है? दवाई 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 दवाई। और कब से खा रहे हो? वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने 40 साल हो गए ने ब्लड प्रेशर की दवाई खाते, मुझे शुगर की दवाई खाते 35 साल। मैं कहानी सुना रहा हूं कि रियलिटी। और मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी दवाई खाने के लिए आई थी? कभी अपने आप को पूछो, ये जो तुम केमिकल अपने अंदर डाल रहे हो क्या जिस्म के साथ धोखा नहीं? क्या तुम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? वल्ला ये बातें आज ना मस्जिद में बयान हो रही हैं, ना मदरसों में बयान हो रही हैं, और फिर नेकी की बात कहां से सुननी थी? ये कुरान है, ये हदीस है कि उस सबब को दूर करो जो तुम्हें तकलीफ दे रही है। क्या हमने सबब को कभी जाना भी? और एक बीमारी है, एक बीमारी है, धोखा दिया है हम सबने। क्या किया है? धोखा दिया है। बच जाओ, बच जाओ। जो इससे बच जाएगा जो इससे बच जाएगा, सच बताओ किसका भला करेगा? अपना। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुबहानु ताला हमें दीन को उस तरह समझने की जिस तरह सहाबा ने इसको समझा, फिर अपनाया, और अपना के इसको पूरी दुनिया के हर कच्चे और पक्के मकान में पहुंचाने के लिए लग गए। अल्लाह हमें भी ऐसे लोगों में शामिल कर ले, अल्लाह हमसे भी दीन का काम ले ले। अल्लाह से दुआ करते हैं जो कुछ कहा सुना, अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।